हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस अभी कुछ टाइम पहले मैंने इस फोटो को पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे एंड शायद से आप लोगों ने देखी होगी। नहीं 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 कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्या बोला तूने? बॉक्स में है, सॉरी। वहां से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो इस फोटो को लेके बहुत सारे मेरे पास डीएम आ रहे थे कि भाई इसका ट्यूटोरियल लेकर आओ। सो फाइनली गाइस आज की इस वाली वीडियो में इसी फोटो का ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना वरना कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते बिना किसी बात के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको फोटोज को क्लिक कराने हैं, कुछ इसी एंगल से आपका फोटोज रहेगा। देन आपको जरूरत पड़ने वाली दो एप्लीकेशन की, स्केचबुक एंड लाइटरूम। तो सबसे पहले हम आएंगे क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पे हम सर्च करेंगे बैकग्राउंड रिमूव, कुछ इस तरीके से लिख के आपको सर्च कर देना है। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट वाला वेबसाइट है इस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड अभी क्या करना है, यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ से उसी फ़ोटो को अपलोड करना है जिसको आपको एडिट करना है। तो इस फ़ोटो को मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे की साइड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली तरीके से इसको रिमूव किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको डाउनलोड। तो ये गाइस PNG में डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ये वाला बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और अभी हम इसको शेयर करेंगे स्केचबुक में। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो पैर है नीचे की साइड इस तरीके से, इसी पे हमें मैच कराने हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इमेज इम्पोर्ट। तो यहाँ से हम उसी इमेज को इम्पोर्ट करेंगे जो अभी मैंने PNG को डाउनलोड किया है। तो उसको हम यहाँ से कर लेते हैं यहाँ पे ऐड। ओके, अभी बैक आएंगे, ऐड हो चुका है। तो पहले इसको हम बड़ा करेंगे, तो इससे आगे अब ये बड़ा नहीं होगा। तो हम इसको डन करके और यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इसको बड़ा कर सकते हैं। तो जो मेरा फ्रंट पे जो पैर है उसको हम यहाँ पे मैच कराएंगे कुछ इस तरीके से और इसको हम कर लेते हैं डन। ओके, और अभी हम आएंगे यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से एक लेयर ऐड करेंगे और इस लेयर को हम रखेंगे मॉडल के नीचे और इस फोटो को हम कर लेते हैं जूम। और इसको जूम करने के बाद अब भी हम यहाँ पे ब्रश ये वाला लेंगे और इसका हम साइज कुछ इस तरीके से रख देंगे। एंड इसका कलर जो है गाइस, यहाँ पे हमें इसको शैडोज बनाने हैं और इसका कलर हम रखेंगे ब्लैक। ओके, और हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको पेंट करते हैं। तो यहाँ पे शैडोज इंक्रीज हो गए। ओके, तो अभी हम फ्रंट वाले में भी कर लेते हैं अच्छे तरीके से, आपको ऐड कर लेने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, वो गाइस जो लास्ट में जो पैर है उसमें थोड़ा सा हमें कुछ कमी लग रही है, तो हम जूम करके इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ पे कर देते हैं। और अभी आएंगे गाइस यहाँ पे एक पेंसिल, यहाँ पे इरेजर वाला लेंगे ये वाला, और इसको हम छोटा करके यहाँ पे जो ऊपर की साइड से हल्का हल्का सा इरेज करेंगे, हल्का हल्का सा नीचे से और हल्का सा ऊपर से। ओके, और सामने से थोड़ा सा डन। अभी यहाँ पे गाइस ये मैच हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, छोटा करके एक और लेयर यहाँ पे लेयर में एक और लेयर ऐड करेंगे। ओके, और इस लेयर में हमें क्या करना है, फिर हमें वही ब्रश लेना है, वही वाला ब्रश ले लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। एंड अभी हम इसका इस लेयर का जो ओपेसिटी है इसको हम थोड़ा मतलब आधे से हाफ से भी कम कर देंगे। और यहाँ पे कुछ एडवांस यहाँ पे हो चुके हैं ऐड और इसको हम कर लेते हैं इरेज। तो इसको फ्लो को कमी करेंगे और इसको हम बड़ा करके यहाँ से इरेज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें हार्डनेस इसमें चाहिए, तो इसको हम पूरा बड़ा कर देते हैं मतलब हाँ ब्रश। ओके, तो अभी हम ऊपर की साइड से हल्का हल्का सा मार देते हैं, तो हल्का हल्का सा यहाँ पे गाइस शैडोज इंक्रीज हो जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, फिर से आएंगे यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन में, तो थोड़ा सा यहाँ पे ओपेसिटी हाई करेंगे या फिर इसको हम डबल कर लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा ओपेसिटी को हाई कर देते हैं एंड इसको इन सारे साइड उसको हम कर देते हैं मैरिज। इसको हम कर देते हैं यहाँ से मैरिज एंड सभी को कर लेते हैं। और अभी हमें एक और PNG यहाँ पे ऐड करना है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मतलब ऐड करते ही यहाँ पे मैच हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा फेस जो है फेस का कलर मैच कराने हैं, तो इन सभी को मैं कर देता हूँ मैरिज। ओके, और एक यहाँ पे लेयर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इस लेयर का जो ब्लेंडिंग मोड है इसको हम रखेंगे लाइटन और इसका ओपेसिटी माइनस में।
एंड अभी हम फिर से उसी वाले ब्रश को लेंगे जिसको मैंने शैडोज के लिए यूज किया था। तो इसको हम छोटा करके अभी हम फेस को यहाँ पे जूम कर लेते हैं और फेस में हमें लाइट रखना बैकग्राउंड वाले कलर को। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा वाइट ऐड कर देते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से ऐड कर देते हैं और अभी हम इस पर पेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेंट करने हैं तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। और यहाँ पे पेंट करने के बाद अभी हमें क्या करना है, इसको ऑपेसिटी डिक्रीज इंक्रीज करके हमें चेक कर लेना है। तो ये हमें परफेक्ट लग रहा है तो अभी हम इसको कर लेते हैं सेव। तो इस फोटो को मैं कर लेता हूँ सेव। ओके, एंड सेव करने के बाद हम आएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, इस फोटो को ऐड करके आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करने हैं, मैं आपको बेसिक बेसिक बता देता हूँ। बेसिक नहीं गाइस, ये पूरा मैं बता देता हूँ। इसमें थोड़े से शैडोज की ज़रूरत है। ओके, एंड इसमें जो ब्लैकनेस है गाइस, इसको माइनस में रख देंगे। और यहाँ पे जो ब्लू वाला कलर है कलर मिक्स में, वहाँ पे जाके आपको सैचुरेशन को हाई कर देना है और यहाँ पे हल्का सा लाइट ऐड करेंगे और सैचुरेशन। तो गाइस, और यहाँ पे शैडोज को हम थोड़ा सा हाई करके रखेंगे। बस इतना आपको करना है एंड आपका फोटोज अच्छे तरीके से एडिट हो जाएगा। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।